भोपाल कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल का बयान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद ही कंफ्यूज। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 3 जगहों पर प्रत्याशी बदल दिए। दबाव बनाकर टिकट लेने की नई परंपरा कांग्रेस में शुरू हुई है। जिन्हें टिकट मिला है वो भी डरे हुए हैं कि कहीं बी फॉर्म किसी और को ना दे दिया जाए। इस चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी कितनी कंफ्यूज है, कितनी भटकी हुई है कि इन्होंने इस कंफ्यूजन और भटके हुए रवैये के चलते एक नई परंपरा ही चालू कर दी है। और वो नई परंपरा ये कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पहले जो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, तीन तीन नाम उनमें से काट दिए, नए लोगों को टिकट दे दिया। जो लोग अभी मेहनत कर रहे थे उम्मीदवार बनने के बाद, अब उनकी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे प्रदेश के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर। अवधेश नायक कैसे किसी को मुंह दिखाएंगे, शेखर चौधरी कैसे किसी के सामने जाएंगे, शैलेंद्र सिंह क्या कहेंगे कि क्यों मेरा टिकट काट दिया घोषित करने के बाद। कांग्रेस पार्टी की इस नई परंपरा से कांग्रेसी भी दुखी हैं और उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पता उम्मीदवार तो बना दिए, बी फॉर्म किसी और को तो नहीं दे देंगे।